हरियाणा के नूह इलाके में दो पक्षों में हुए बवाल के बाद हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट हो गई है। चूंकि हरिद्वार भी एक आस्था का केंद्र है, यहां भी धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा होती रहती है। इसी के मद्देनजर यहां भी कोई इस तरह की घटना ना हो, इसलिए हरिद्वार पुलिस भी पहले से ही अलर्ट हो गई है। पश्चिमी यूपी से सटे रुड़की में कुछ दिनों पहले शोभा यात्रा के दौरान भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, इसलिए हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की आग यहां तक ना पहुंचे, इसीलिए खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। हरिद्वार जिले की सीमाएं पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जिले से सटी हुई है, जिसकी वजह से सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। धार्मिक जुलूस को लेकर अभी नूह में एक घटना हुई थी, जिसको लेकर भी हरिद्वार में भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए जो है हमने अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की हैं, क्योंकि यहाँ भी निरंतर ऐसी शोभा यात्रा या धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आयोजित होती रहती हैं, और इसलिए सभी सर संबंधित को निर्देशित किया गया, इसमें थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी को भी, कि कोई भी अनुमति देते हैं तो पुराने जो क्या त्यौहार रजिस्टर में उसके रूट वगैरह को चेक कर लिया जाए। कोई अगर लेकर किसी धार्मिक प्रोसेशन को लेकर कहीं कोई विवाद है तो उसका समय रहते समाधान कर लिया जाए, और लगता है कि कोई इसमें धार्मिक उन्माद या कोई घटना होने की संभावना है तो प्रिवेंटिव उसमें बाउंड डाउन करा ली जाए। सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि हरिद्वार भी एक धार्मिक स्थल है, यहाँ निरंतर इस तरह के धार्मिक जुलूस प्रोसेशन हर सभी धर्म जातियों के निकलते रहते हैं, इसको लेकर सभी को अलर्ट भी किया गया, सभी को उसमें निर्देश जारी किया गया। हाँ देखिए, पूर्व में कुछ इंसिडेंट हुए थे और उसी इंसिडेंट से सीख लेते हुए भी इस बार हमने जो है हर जगह पूर्व में सभी धर्म जातियों से गोष्ठी भी कर ली थी, जो कई नए इसमें कोई प्रोसेशन और कोई नए रास्ते ना बनाए जाए इसको लेकर भी हमने मीटिंग की थी। तो इसको देखते हुए जिससे घटना हुई है या अन्य प्रांतों में भी कहीं छोटी मोटी घटनाएँ प्रकाश में आती रहती हैं, तो संवेदनशीलता बनी उसको देखते हुए सभी को हाई अलर्ट मोड पर बताया गया। वहीं SSP अजय सिंह ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग के सख्त निर्देश दिए हैं। जिन शोभा यात्रा की अनुमति मांगी गई है उनकी भी समीक्षा फिर से करने के निर्देश दिए गए हैं। रुड़की जिले से ही सटा सहारनपुर भी हरियाणा से सटा हुआ है, इसीलिए ऐसे में यहां पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।